हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य है। आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूं टाइगर सिंह के ऑडियंस ऑक्यूपेंसी के बारे में मौनी शो की। सबसे पहले बता दूं कि आज गुरु नानक जयंती है, जिसका फायदा इस फिल्म को मिलने वाला है। लेकिन मैं अगर मुंबई और दिल्ली को कंपेयर करूं तो मुंबई से डबल जो टिकट्स बिके हैं दिल्ली में बिके हैं, अगर सुबह से अभी तक की बात करें तो। और मुंबई से बढ़िया रिस्पॉन्स दिल्ली में आ रहा है। गुरु नानक जयंती छुट्टी मिलती है मैं जानता हूँ, लेकिन उसे इतना फ़ायदा मिलेगा ये फिल्म को तो ये कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि फिल्म अपने 16th डे में एंटर कर चुकी है। तो ऐसे में फिल्म का कंटेंट के वजह से उसे फ़ायदा मिलता है, ये बात तय है। लेकिन पब्लिक कितनी आएगी कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फैमिली ऑडियंस फिल्म देखने आ सकती है थिएटर में, ये पॉसिबिलिटीज़ है। और जब तक कोई बहुत बड़ी फिल्म नहीं है थिएटर्स में तो एक एडिशनल फ़ायदा तो ज़रूर टाइगर सिंह को लेकर होगा। अब जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है वो बता दूँ, जैसे मंडे है टिकट प्राइस अपने जो नॉर्मल रेट से वहाँ तक पहुँच चुका है, चाहे मुंबई बात करें, दिल्ली बात करें या बाकी महानगरों की बात करें। तो इस फिल्म को फ़ायदा बहुत ज़्यादा भी नहीं होने वाला है। ऑफकोर्स ऑक्यूपेंसी बेहतर रहेगी और बेहतर है जो सुबह से मैं देख रहा हूँ, लेकिन वो फाइनेंशियली उतना बड़ा कलेक्शन नहीं दे पाएगी। बट स्टिल जो नॉर्मल डे से कलेक्शंस है उससे तो बेहतर होगा। और कहीं ना कहीं नॉर्मली अगर जैसे आज छुट्टी होती तो जो कलेक्शंस आता उससे कम से कम 20-25% ज़्यादा कलेक्शंस होने के आसार है। अब बात करता हूँ यहाँ पर जो ऑक्यूपेंसी है वो कितनी आ रही है। दोस्तों, इसकी ऑक्यूपेंसी मौनी शो की 5% के आसपास आ रही है, जो बिल्कुल सिमिलर है डे 11 की ऑक्यूपेंसी जो 5% के आसपास थी। लेकिन तब में और अब में काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि तब की स्क्रीन्स अलग थी, अब की जो स्क्रीन्स है अलग थी। तो यहाँ पर फिलहाल ये फिल्म जितना मुझे लग रहा है, जितना समझ में आ रहा है, इसके बाद ज़्यादा नहीं, कम से कम 2200 से 2300 के आसपास स्क्रीन्स अभी भी बचे हैं, और जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे जैसे ही 1 दिसंबर आएगा। तो फिलहाल जितना इसे मज़ा करना है मंडे टू थर्सडे कर ले, उतना इस फिल्म के लिए फ़ायदा है। और ये छोटे छोटे जो कलेक्शंस है ये एक ओवरऑल टोटल कलेक्शंस में काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं। और फिल्म 270-280 करोड़ कमाने के बावजूद अगर फैंस खुश नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि सलमान खान से कितनी उम्मीद लगा कर बैठे हैं लोग। अक्षय कुमार होते हैं यहाँ पर तो उनके फैंस तो नाचने गाने लगते हैं, क्योंकि उनको भी ये पता है कि इतना आसान कलेक्शंस नहीं है। या कोई भी एक्टर का फ़ैन हो, अजय देवगन, किसी के भी फ़ैन हो, इतना आसान नहीं है इतना कलेक्शंस करना भी। तो शाहरुख खान, सलमान खान की अगर फिल्में ऐसी कलेक्शंस कर रही हैं उसके बावजूद सलमान खान फैंस दुखी है तो ये गलत बात है। तो ये ऑक्यूपेंसी बेहतर है और दिन अच्छा जाएगा, उम्मीद कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कम से कम 2.5 से 3 करोड़ तक का कलेक्शन फिल्म का हो जाए, और ऐसे में मज़ा आया उससे ऊपर कलेक्शन जाए तो और खुशी होगी। ज़्यादा बड़ी उम्मीदें मत बांधिएगा, लेकिन हाँ, छुट्टी का फायदा इस फिल्म को जरूर मिलेगा। और आपने फिल्म नहीं देखी तो आप इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं थिएटर में जाकर। चलो फिल्म कहते हैं, वीडियो अच्छा लगे चैनल को जिसमें जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।